के लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बाकी है। आखिरी चरण के लिए प्रचार भी आज थमने वाला है, तो आज शाम ये चुनावी शोर थम जाएगा। आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होगा। यूपी पंजाब की 13-13 सीटों पर होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 9, बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड में 3, चंडीगढ़ में 1 सीट पर वोटिंग होगी। 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी। आज शाम चुनाव का जो शोर है, आखिरी चरण का जो शोर है, वो थम जाएगा। आखिरी चरण में लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया होगी। 1 तारीख को वोटिंग होगी। इसमें यूपी और पंजाब की 13-13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा देखिए, बात करें तो जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि चुनावी शोर लगातार रहा, आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हिमाचल में पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तमाम पार्टी के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, प्रियंका गांधी शिमला में नजर आने वाली हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज चुनावी शोर थम जाएगा और पूरे दमखम के साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरी चरण में लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 1 तारीख को संपन्न होगी। उससे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। सबसे खास देखिए हिमाचल में, क्योंकि देखिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग होगी, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी और आज शाम वोटिंग से पहले शोर थम जाएगा, चुनावी शोर। तो आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का शोर। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे पंजाब। पंजाब का दौरा आज करने वाले हैं पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होशियारपुर में रैली करेंगे। दशहरा मैदान में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। तो आज शाम से ये प्रचार थमने वाला और उसके पहले एक बार फिर से बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई, प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पंजाब का दौरा आज करने वाले हैं। होशियारपुर पहुंचेंगे, वहां पर करेंगे सभा को संबोधित, क्योंकि आज शाम से थम जाएगा। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है, मतदान होना है, तमाम दिग्गजों का जो किस्मत का फैसला है वो होना है। उसके पहले आज पीएम मोदी पहुंचेंगे पंजाब के होशियारपुर, वहां पर करेंगे जनसभा को संबोधित और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और पंजाब में जनसभा को संबोधित करने के बाद आज शाम को कन्याकुमारी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाएंगे 1 जून की शाम तक। ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री। अपने आप में ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण और देखिए पूरी तरीके से पानी से घिरा ये स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और कहते हैं कि यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। ध्यान आध्यात्म से जुड़ी कई मरतबा तस्वीरें हमने देखी, हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों पर इस तरीके से ध्यान करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब एक बार फिर से जब देश में आम चुनाव, आप समझिए कि 1 तारीख को ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज चुनावी शोर थम जाएगा उसके बाद कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल जाएंगे, वहां पर वो ध्यान लगाएंगे। अहम इसीलिए भी क्योंकि 1 जून को ही प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर भी वोटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्याकुमारी में उस दिन मौजूद रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि कई घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर रहेंगे, वहां पर जो ध्यान मंडपम है प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड में मौजूद रहने वाले, कैची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन पूजन करेंगे। इस बीच गोविंद वल्लभ पंत विवि में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत वो करने वाले हैं। तो आज उनका उत्तराखंड का दौरा और बाबा नीम करौली के दर्शन करते हुए उपराष्ट्रपति को देखा जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं, खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। आज उनके दौरे को लेकर फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा, जिसके ऊपर नजरें भारत 24 की लगातार बनी रहेंगी। बाबा नीम करौली के दर्शन आज जगदीप धनखड़ के द्वारा किए जाएंगे और देखिए तमाम, चाहे बड़े बड़े सेलेब्स हुए या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हुए, सभी बाबा नीम करौली के दर्शन करते हुए इससे पहले भी देखे जा चुके हैं। और आज खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंची धाम में मौजूद रहने वाले हैं, उत्तराखंड में मौजूद रहने वाले हैं, बाबा नीम करौली के दर्शन वो करेंगे। साथ साथ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें जगदीप धनखड़
बतौर अतिथि शिरकत करने वाले हैं। गोविंद वल्लभ पंत विवी में ये कार्यक्रम, जहां पर जगदीप धनखड़ कैंची धाम के साथ साथ में मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, तमिलनाडु का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह का मीनाक्षी अम्मन मंदिर में करेंगे दर्शन, त्रिमायम में कोट्टई भैरवर मंदिर में भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, आखिरी चरण के लिए चुनाव की प्रक्रिया से पहले इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज इस वक्त आपको अलग अलग राज्यों में नजर आ रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हैं। और तमिलनाडु के दौर पर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का दौरा करेंगे, यहाँ पर मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में अमित शाह पहुंचेंगे, तो ये बड़ी जानकारी। त्रिमायम में कोट्टई भैरवर मंदिर भी है, जहां पर अमित शाह जाने वाले हैं, दर्शन पूजन करने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे अखबारों पर, और फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो हीट वेव का कहर जो तमाम राज्यों में छाया हुआ है, उसका जिक्र है। आप बात अगर करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में 80 साल के बाद रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया, 52.3 यहाँ पर जो तापमान है वो दर्ज किया गया दिल्ली के कुछ हिस्सों में, कहीं 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जो इतनी ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुई वो कहीं ना कहीं AQI के कारण भी यहाँ पर दर्शाई जा रही है। बात अगर करें हम 8 राज्यों की, ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर हीट वेव का रेड अलर्ट है। रोहतक में सबसे ज़्यादा 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आज शाम तक केरल पहुंच सकता है मॉनसून। आज क्योंकि नौतपा का छठा दिन है, 2 जून को नौतपा समाप्त हो रहा है, उसके बाद उम्मीद है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि नौतपा में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी बारिश उतनी ज्यादा अच्छी होगी। नौतपा के 5वें दिन अगर हम बात करें बीते दिन की, तो हरियाणा के रोहतक में सबसे ज्यादा 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। बुधवार को मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। अगर हम बात करें अमर उजाला की, तो तपती दिल्ली 10 साल में 7 डिग्री बढ़ा तापमान, ये इसमें हेडलाइन दी गई है। औसत तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत 1998 से हुई, लेकिन 2014 के बाद तेजी से इजाफा इस बढ़ते तापमान में होते जा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म दिल्ली हुई 2024 मई में, फिलहाल अभी ये हालात है। तो ये सोच कर हर कोई डरा हुआ है कि आगे चलकर जून में क्या हालात होंगे। और देखिए, जो दिल्ली में 52.9 पारे का जिक्र करें, दैनिक भास्कर मेरे पास में है, और यहाँ पर देखिए आप जो हेडलाइंस हैं वो भी वही, जो गर्मी है तपती गर्मी उसी रंग में इस वक्त नजर आ रही है कि किस तरीके से पूरा देश इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर उत्तर भारत के कई राज्य। इसमें लिखा है कि जो 52.9 मंगेशपुर में जो तापमान दर्ज हुआ है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि सेंसर की जाँच की जाएगी, क्योंकि अकेला वही एक ऐसा स्टेशन रहा जहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान रहा। मौसम विभाग ने इस पर सफाई दी है कि अकेले मंगेशपुर में तापमान 52.9 डिग्री दर्ज हुआ, ये पिछले दिन से 3 डिग्री ज़्यादा है। विभाग जांच कराएगा कि ये सेंसर में गड़बड़ी से हुआ या स्थानीय मौसमी वजह से पारा इतना उछला है। इस बीच पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने रात में सोशल मीडिया पर लिखा कि अधिकारियों को इसकी पुष्टि की जाए, मतलब इसको इसकी पुष्टि करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। कल हमने देखा पला कि एकदम से तपती गर्मी, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे हम शो शुरू होने से पहले, कि एकदम से मौसम ने करवट ली और एक तरफ तपती धूप थी और फिर अचानक से एकदम बादल आए और बदरा छाए भी और बरसे भी, लेकिन बावजूद उसके बाद में गर्मी देखने को मिली। बिल्कुल, और देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसको लेकर के जारी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। दैनिक जागरण की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन है दहकी दिल्ली, और इसको लेकर हम आमतौर पर चहकी दिल्ली सुनते थे, अब दहकी दिल्ली हो गया है। बिल्कुल, मेरे अखबार में उबलती दिल्ली है। हर जगह बिल्कुल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। दैनिक जागरण ने दरअसल यहाँ पर कंपेयर किया और कहा है कि यूपी के प्रयागराज में भीषण गर्मी ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई में दिन का पारा पहली बार हुआ कि 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। अब पहाड़ों में लोग गर्मी के मौसम में रुख किया करते थे कि वहाँ पर राहत मिले, लेकिन वहाँ पर भी राहत नहीं मिल रही। हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर भी मैदानी क्षेत्र में लगातार लू चल रही है। कल बिहार से भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर हमने देखा शेखपुरा में स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो गए थे। हालांकि अब जो कहा जा रहा है वो ये कि मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत जानकारी ये है कि अभी भी जो स्थितियां हैं वो नहीं ठीक होंगी। हालांकि बीच में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो विक्षोभ है वो एक्टिव होगा, जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिल सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश के ठीक बाद मौसम वैसे ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं है। पलक,
अच्छा, इसमें नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जैसे कि गर्मी का रिकॉर्ड बना। अगर हिंदुस्तान अखबार की बात की जाए तो यहाँ हेडलाइन लिखी है, उबलती दिल्ली को फुहारों से फौरी राहत मिली, हल्की बारिश होने से पारे में करीब 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। और एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, वो ये कि बिजली की मांग ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दिल्ली में बिजली की मांग ने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक जो डिमांड है वो सामने आई। दोपहर 3:36 पर दिल्ली में अभी तक की सबसे अधिक यानी कि 8302 मेगावाट की मांग रही, जबकि इससे पहले 22 मई को 8000 मेगावाट की मांग रही थी, वो भी एक नया रिकॉर्ड था। लेकिन कल एक नया रिकॉर्ड बिजली की मांगों में रहा। अच्छा प्रिया, बिहार का जिक्र कर रही थी, बिहार में 98 बच्चे बेहोश हुए क्योंकि बिहार में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बिहार का तापमान, और अंदाजा आप लगाइए कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित, 98 बच्चे बेहोश। अच्छा पलक, हिंदुस्तान में यही डेटा 300 बताया गया है, मतलब टोटल अगर स्कूल्स में देखा जाए तो कुल मिलाकर 300 बच्चे। दैनिक जागरण ने भी लिखा कि बिहार में 337 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की अगर फिर से हम बात करें तो रिकॉर्ड पारा यहाँ पर 52.3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था, हालांकि सेंसर एरर की बात भी कही जा रही है, इसमें कोई त्रुटि हो सकती है। बिहार की बात करें तो गर्मी से 80 स्टूडेंट्स हुए जो कि बेहोश वहाँ पर नजर आए। 8 जून तक स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। नौतपा के पांचवें दिन बुधवार को दिल्ली में अगर हम बात करें तो 79 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। इससे पहले मंगेशपुर में दोपहर का तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसे करीब 6 घंटे बाद सेंसर एयर बताया गया। और यह भी कहा गया कि दरअसल इसको लेकर के जांच की जाएगी कि क्या ये सच में एरर था या फिर कोई दूसरी वजह। अलग अलग जगहों की बात करें तो मंगेशपुर में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 52.9 डिग्री सेल्सियस, नजफगढ़ की बात करें तो 49.1, पूसा में 49.0, पीतमपुरा में 48.9, यानी कि अब तमाम जगहों का टेम्परेचर देखेंगे तो 45 डिग्री को क्रॉस कर गया है ऑन एन एवरेज। और इसी को लेकर के लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित रहें। और प्रिया ये विजुअल्स भी देखिए किस तरीके से बच्चे गर्मी में परेशान नजर आ रहे हैं, टीचर्स पंखा, ये वही बिहार के शेखपुरा के और बिल्कुल डरा देने वाले विजुअल्स। और बड़ी बात ये कि जब स्कूल्स ऑलरेडी बंद हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 तक स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो ये स्कूल जब तक चल क्यों रहे हैं। ये इसमें दरअसल ये सवाल भी उठा कि आखिरकार स्कूल्स को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके बाद ही मुझे लगता है कि आदेश वहां पर दिए गए हैं कि स्कूल्स को बंद किया जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिहार से, जहां पर कई स्टूडेंट्स जिसका अखबारों में भी जिक्र किया गया है वो बेहोश हो गए, गर्मी की वजह से परेशान नजर आए, जिसके बाद फिलहाल एक्शन लेने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रेंज है इस मिसाइल की 350 किलोमीटर, हवा से जमीन पर टारगेट ये मिसाइल करने में सक्षम है। दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह कर सकती है मिसाइल। भारत ने बुधवार को स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया। DRDO की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और इस मिसाइल के परीक्षण का जो जिक्र है वो अखबारों में भी किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार मेरे पास, इसमें बताया गया कि सुखोई 30 से रुद्रम मिसाइल का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान बधाई भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रम के सफल परीक्षण पर DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण ने यहाँ पर सशस्त्र बलों के रुद्रम प्रणाली की भूमिका को और ज्यादा मजबूत कर दिया। ओडिशा में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया और क्या कुछ रेंज रही ये भी हमने आपको बताया। साथ साथ में ये मिसाइल पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है पूजा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी गृहमंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की। यूपी में समाजवादी पार्टी का था शासन और उस शासन में माफिया परेशान करते थे। 2017 में योगी आए तो सबको सीधा कर दिया, उल्टा लटका कर सबको सीधा कर दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के बलिया में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा जब यूपी में सपा का शासन था तो माफिया आम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। 2017 में आपने योगी को सीएम बनाया और जितने भी माफिया थे सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया है। देखिए आखिरी चरण में पूर्वांचल में, यूपी के पूर्वांचल में खास तौर पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। बड़ी बात यह है कि जब यूपी के पूर्वांचल की बात करते हैं तो माफिया राज की बात अपने आप में आ जाती है, क्योंकि बड़े बड़े माफिया इसी पूर्वांचल से पनपे हैं। अब जब चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है तो इस बीच अमित शाह वहाँ पर पहुँचते हैं तो समाजवादी पार्टी को इन्हीं लोगों को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं कि कैसे इनके राज में गुंडा राज था, लोग परेशान हुआ करते थे। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की जीत जो हुई सारे रिकॉर्ड टूटकर, उसकी एक बड़ी वजह थी लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, जिस तरीके से जो गैंगस्टर्स थे, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, गुंडे हैं,
उनका जो चलन है, जो उनका एक कैप्चर हुआ करता था यूपी में, वो जो कम हुआ है, जाहिर तौर पर लोग इससे राहत महसूस करते हैं और बीजेपी चुनाव प्रचार में इसको लगातार भुनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडाई बढ़ाने को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इनके राज में जो गुंडे हुआ करते थे, माफिया हुआ करते थे ना, वो सिर्फ पनपा करते थे बल्कि वो फल फूला भी करते थे। तो ऐसे में अमित शाह जब पहुंचे तो अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र करते हुए उन्हीं गुंडा माफिया राज का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि योगी राज में गुंडे माफियाओं की नहीं चलती बल्कि कानून का राज होता है। और जिस लहजे में लोगों को ज़्यादा कनेक्ट होता है, जिस लहजे में लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं बातें, उस लहजे में अमित शाह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर लबलुआब ये है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा खास है। इनफैक्ट हर चुनाव में यूपी हर लिहाज में खास रहा है, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि लखनऊ से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है। ऐसे में यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी ने किया और एक एक सीट पर अपने सियासी गणित को बिठाकर जीत की कोशिश की है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें यूपी से निकलेंगी जाहिर तौर पर उतनी ही बड़ी जीत किसी भी पार्टी की होगी। तो ऐसे में बीजेपी भी उसी जद्दोजहद में डटी हुई जुटी हुई नजर आ रही है। और अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को न सिर्फ घेरा बल्कि गुंडा माफिया राज गैंगस्टर्स का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए कि कैसे उनके शासनकाल में, उनकी सरकार में अब बेहतर कानून व्यवस्था है। और अब आगे बढ़ने की एक बार फिर से बात मौसम की होगी, क्योंकि एक तरफ गर्मी का कहर लगातार जारी है, आपको तापमान अलग अलग जगह का दिखा भी रहे थे, मानो आसमान से आग बरस रही हो, लेकिन दूसरी तरफ मिजोरम में आसमान से आफत बरस रही है। यहाँ पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। अब तक 29 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। दरअसल रेबल तूफान का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश उसकी वजह से हो रही है। और इसमें आपको बता दें कि अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है, इसमें 4 साल का लड़का, 6 साल की एक लड़की, मतलब बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 2 लोगों का रेस्क्यू उसमें किया गया, 14 लोगों की जान अब तक चली गई है पत्थर ढहने से। नागालैंड असम में 8 लोगों की मौत की खबर है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जो रेबल तूफान का असर नॉर्थ ईस्ट में भी देखा गया, मिजोरम में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड हो रही है और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 29 पर पहुंच गया है। 14 लोगों की मौत हुई है आइजोल में, पत्थर की खदान ढहने से यह हादसा हुआ, तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। यहां पर 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केजरीवाल के पीए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, खबर जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई है। 31 मई को सुनवाई होगी। अब 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर 31 मई को सुनवाई होगी। विभव के ऊपर स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी का आरोप है, उनके ऊपर मारपिटाई का आरोप है और ऐसे में विभव की जो मुश्किलें वो तमाम बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने राहत की दरकार अपनी जो थी उसके लिए अपील की, लेकिन उनकी याचिका वहाँ पर काम नहीं कर पाई और राहत नहीं मिली। अब केजरीवाल के पीए ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, 31 तारीख को विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है नहीं, क्योंकि वो पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस उनसे लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। ब्रिजभूषण के कॉलेज की कार ने 2 लोगों को रौंद दिया है, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गाड़ी पर लिखा था एस्कॉर्ट, पुलिस एस्कॉर्ट लिखा गया था। दरअसल सांसद ब्रिजभूषण सिंह के कॉलेज की फॉर्चुनर ने गोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को भी टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल इसको लेकर के जानकारी ये है कि ब्रिजभूषण के बेटे के काफिले में शामिल था ये पूरा वाहन और इसी से 2 की मौत हुई है। और कल ही ये खबर सामने आई थी, हमने आपको दिखाया भी था। और इस वक्त मेरे पास दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है, जिसमें लिखा है कि कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी करण के काफिले की पुलिस स्क्वाड लिखी फॉर्चुनर की दुर्घटना हुई है। गाड़ी ब्रिजभूषण चरण सिंह की शैक्षिक संस्था नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड थी। और इसी को लेकर के जानकारी है कि 10 बार चालान हो था जिस गाड़ी से हादसा हुआ, एक बार भी राशि जमा नहीं की गई। भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से पार्टी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले का वो वाहन जिसने गोंडा में एक बाइक को टक्कर मार दी, और ये तस्वीर भी वहां पर देखने को मिल रही है। दैनिक जागरण की खबर है पूजा। और बड़ी बात यह है कि इस तरह के हादसे होने के बाद ही ये खुलासे होते हैं कि किसी ने चालान नहीं भरा या फिर नियमों का पालन नहीं किया, उससे पहले तक सब मामले इस तरह से दबे रहते हैं।